हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एडवर्टीजमेंट मैनेजमेंट का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ विल्बर श्रॉन मॉडल और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देखा था, जिसमें कि हमने अलग अलग एलिमेंट्स देखे थे कि क्या क्या एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिकेशन में। बट अकॉर्डिंग टू विल्बर श्रॉन कम्युनिकेशन और विल्बर श्रॉन मॉडल, इसमें जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है उसमें सिर्फ तीन ही एलिमेंट्स होते हैं। वो तीन एलिमेंट्स होते हैं, एक सेंडर, एक रिसीवर और बीच में उनका एक इंटरप्रेटर। जो सेंडर होता है वो अपने मैसेज को भेजता है। अब मैसेज कैसे भेजता है, पहले वो खुद उस मैसेज को एनकोड करता है किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में या फिर पिक्टोग्राम में, या फिर जैसे कि हम मान लीजिए आप कोई स्कूल में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आप उस प्रेजेंटेशन देने के लिए अलग अलग तरीकों को यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि आप जनरल थ्योरी यूज़ करो, हो सकता है आप सिर्फ फोटोज़ को यूज़ करो, हो सकता है कि आप किसी स्टैटिस्टिक्स को या फिर फ्लो चार्ट्स को दिखाने के लिए आप बार डायग्राम्स यूज़ कर सकते हो, आप पाई चार्ट यूज़ कर सकते हो, या फिर अलग अलग तरीके से आप उस डेटा को दिखा सकते हो लोगों को। बेसिकली प्रेजेंटेशन का मतलब ही वही होता है कि आप कम से कम थ्योरी में कितना ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन दे पाओगे। बिकॉज आपके ऊपर आप भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करते होगे कि अब जब आप बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ते होगे तो उस थ्योरी से आप एक बोर्डम फील आ जाता है। इसी वजह से जब भी हम अपने बोर्ड पर कुछ लिखते हैं तो हम चाहते हैं कि हम कम से कम इन्फॉर्मेशन इस पर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करें। बिकॉज अगर हम ज़्यादा थ्योरी यहाँ पे लिखेंगे तो आपका फोकस उस पर ज़्यादा होगा और यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं उस पर कम होगा। सो सिमिलरली जो आप जो टेलीविजन पे जो एड्स आ रही हैं या फिर आप कहीं पे भी एड्स देख रहे हैं, तो वो जो सेंडर पे अपना पहले मैसेज बनाता है उसको पहले एनकोड करता है और फिर खुद उसको इंटरप्रेट करके फिर वो मैसेज को सेंड करता है। सेंड करने के बाद जो उसमें जो मिडल पर्सन होता है, जो एक इंटरप्रेटर होता है, वो उसमें एक्ट करता है और फाइनली वो मैसेज पहुँचता है हमारे पास, मतलब एक पर्टिकुलर चैनल के थ्रू। बीच में जो चीज़ आएगी वो चीज़ हमेशा चैनल होगी, बिकॉज आप बिना चैनल के आप बात नहीं कर सकते हो किसी के साथ भी। सो आफ्टर दैट चैनल, आफ्टर गोइंग थ्रू दैट चैनल, वो मैसेज फाइनली पहुंचता है रिसीवर एंड पे, और रिसीवर एंड पे अगेन वो उस मैसेज को पहले डिकोड करता है, फिर उसको समझने की कोशिश करता है कि भाई जो मैंने डिकोड किया था, मतलब जो मेरे पास मैसेज आया है उसको डिकोड तो मैंने कर लिया, बट उसका मतलब क्या है, उससे मैं क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकता हूँ, वो क्या मदद कर सकता है मेरी। सो बेसिकली इट वॉज अ वेरी सिंपल मॉडल ऑफ विल्बर श्रॉन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हम सिर्फ तीन स्टेप्स को यूज़ कर सकते हैं और उन तीनों एलिमेंट्स को हमने लास्ट क्लास में डिटेल में पढ़ा हुआ है लास्ट वीडियो में। और एक जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से ज़रूरी समझनी चाहिए कि विल्बर श्रॉन जो मॉडल होता है, यहाँ पे हम वन वे ट्रैफिक को देखते हैं, मतलब जो इन्फॉर्मेशन जो फ्लो हो रही है वो सिर्फ एक ही स्टेप में पूरी फ्लो जाती है। मतलब जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आप सिर्फ सुन रहे हो, बीच में YouTube यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है। जैसे कि मैं बोलूँ पहले अपनी वीडियो बनाऊँ, फिर वो YouTube समझे और फिर YouTube फिर वो वीडियो आपको समझाए, तो वो वहाँ पे टू वे स्टेप हो जाएगा। बट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कैसे कैरी हो रही है, थ्रू वन वे। जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ YouTube एक चैनल है और आप एक रिसीवर एंड पे बैठे हुए हो, और चल कैसा रहा है, एनकोडर, इंटरप्रेटर, डिकोडर, और दूसरे एंड पे डिकोड कर रहे हैं, फिर इंटरप्रेट कर रहे हैं, फिर एनकोड कर रहे हैं। तो दिस गोज ऑन कंटिन्यूअसली इन विल्बर श्रॉन मॉडल। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द टू स्टेप फ्लो, एंड इट इज वन ऑफ द की एलिमेंट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। जहां पे जो मैन्युफैक्चरर्स या स्पॉन्सर्स होते हैं वो डायरेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत सारे बिजनेसेस करता है, बट वो क्या किसी भी बिजनेस के बारे में आपको एडवर्टीजमेंट करता है? जैसे कि टाटा का एग्जांपल ले सकते हैं, क्या रतन टाटा आपको आके बोलते हैं कि आप, या फिर वो टेलीविजन्स पे FM के थ्रू या मैसेजेस आपको भेज रहे हैं कि भाई कि आप टाटा की गाड़ियां लो, आप टाटा का केमिकल यूज़ करो या टाटा के सो एंड सो प्रोडक्ट यूज़ करो? ऑब्वियसली नॉट। तो वो लोग क्या करते हैं, टू स्टेप फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं, जहां पे वो इन्फॉर्मेशन बनाते हैं और वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं वो ओपिनियन लीडर्स को या फिर इन्फ्लुएंसर्स को। जैसे कि हम इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स को देखने लगे हैं, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स ऑफ इंस्टाग्राम, जैसे कि वो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली टेलीविजन पे या फिर मास मीडिया में काफ़ी सारी ऐसी एडवर्टीजमेंट आती हैं जो कि हमारे ओपिनियन लीडर्स के थ्रू आते हैं, जो कि हमारे इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू आती हैं। जैसे कि अगर कोई टेक्सटाइल को, मतलब आपको कुछ फैशन इंडस्ट्री में कुछ खरीदना है, तो हमने देखा है कि रणवीर सिंह काफ़ी सारे ब्रांड, जैसे कि अभी रिसेंटली मान्यवर की हम देख रहे हैं कि रणवीर सिंह जो है वो मान्यवर की एडवर्टीजमेंट कर रहा है, आलिया भट्ट ने, विराट कोहली ने काफ़ी मान्यवर की एडवर्टीजमेंट्स करी हैं। सो इसी तरीके से और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स, अलग अलग ओपिनियन लीडर्स, जिनको हम, जैसे कि जनरली हम इंडिया में जो हमारे बॉलीवुड सेलेब्स हैं हम उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं इन टर्म्स ऑफ फैशन, इन टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल, तो उन लोगों को हमारा ओपिनियन लीडर बना के जो स्पॉन्सर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अपनी इन्फॉर्मेशन होने देते हैं और फिर वो उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर अपनी एड बनाते हैं। मतलब एड भी उन्हें बनाई जाती है, बट वो उसमें हमें मैसेज जो कन्वे कर रहा होता है वो डायरेक्टली मैन्युअर नहीं होता है, वो ओपिनियन लीडर्स होते हैं जो कि हमें मैसेज कन्वे करना
करना चाह रहे हैं। जैसे कि हम रिसेंटली रणवीर की मान्यवर की ऐड में देख सकते हैं कि वो हमें क्योंकि ऑब्वियसली फेस्टिव सीजन चल रहा है और शादियों का सीजन चल रहा है, तो उसमें बताना चाह रहे हैं कि शादियों में किस तरीके की ड्रेस पहनना चाहिए आपको। तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे हैं जिससे कि वो मान्यवर की सेल को इंक्रीज कर पाएँ। उससे ऑब्वियसली रणवीर सिंह की इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही, वहाँ पर मान्यवर की इन्फॉर्मेशन जा रही है। रणवीर सिंह ये नहीं बताना चाहता कि भाई मैं शादियों में इस तरीके के कपड़े पहन के जाता हूँ, वो बताना चाह रहे हैं कि आप शादियों में जाएंगे तो इस तरीके के कपड़े पहने और वो कहाँ से परचेज करें आप, मान्यवर से। सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के हम एड्स देखते हैं, वो जनरली चाहे वो हम ऑटोमोबाइल की बात करें, चाहे हम घर की बात करें, या फिर हम स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट की बात करें, या फिर हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बात करें, सभी हम जनरली जो इतने भी इन्फॉर्मेशन होती है वो हम अपने ओपिनियन लीडर्स के थ्रू देखते हैं। अब ओपिनियन लीडर्स कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा एडवांटेज स्ट्रेंथ भी देते हैं और कहीं कहीं पर बैकफायर भी कर जाते हैं। जैसे कि स्ट्रेंथ ऑब्वियसली, अगर वो मुकेश अंबानी अपने सूट में आके एडवर्टीजमेंट करेगा अबाउट मान्यवर, तो ऑब्वियसली नो वन विल बाय इट, बिकॉज वो एक उतनी कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी नहीं है जिनको देखकर हम अपना फैशन सेंस डिसाइड करेंगे। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें, अगर वो किसी कॉलेज की एडवर्टीजमेंट करेंगे, अगर वो किसी बिजनेस को किस तरीके एंटरप्रेन्योरशिप की अगर एडवर्टीजमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली वन विल लुक आफ्टर हिम, आप उनको फॉलो करने की कोशिश करोगे। बट फैशन उनका फोटे नहीं है, ये फोटे इनका है। जनरली हम देखते हैं हमारे सेलेब्स का होता है, जनरली जो हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं उनका फोटे है फैशन, उनका फोटे है टेक्सटाइल। सिमिलरली अगर हम स्पोर्ट्स के देखें, जैसे कि विराट कोहली बहुत सारे चीज़ों की एडवर्टीजमेंट करते हैं, हमने धोनी को देखा है, हमने सचिन तेंदुलकर को देखा है, ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स को हमने देखा है जो अलग अलग प्रोडक्ट्स का एंडोर्समेंट कर सकते हैं, करते हैं इनफैक्ट। सो बेसिकली हम उनको फॉलो बहुत ज़्यादा करते हैं अलग अलग फील्ड में, इस वजह से अगर उनके थ्रू मैसेज आता है तो हम उसको ईजिली ग्रास्प कर पाते हैं और उनके ऊपर ट्रस्ट भी कर सकते हैं। और क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडिया में इन्फ्लुएंसर्स चलते हैं, फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो इस वजह से इस तरीके की मार्केटिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कंपनीज़ को, और इनफैक्ट कंज्यूमर्स को भी। वो एक अपने आइडल को मान लेते हैं और फिर अपने आइडल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। हो सकता है कि ये चीज़ बहुत गलत हो कंज्यूमर्स के लिए भी, बिकॉज एट टाइम्स जैसे कि हम देखते हैं शाहरुख खान हो गए, अजय देवगन हो गए, ये लोग टोबैको की एडवर्टीजमेंट करते हैं। हो सकता है वो एडवर्टीजमेंट मतलब टोबैको का नाम नहीं लेते, बट वो हम जानते हैं कि वो टोबैको की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। हम रिसेंटली देख रहे हैं कि आलिया भट्ट अल्कोहल की एडवर्टीजमेंट कर रही हैं, या इस तरीके बहुत सारे सेलेब्स होते हैं जो कि गलत चीज़ों की एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर के साथ गलत होता है, अगर वो आपको डाई हार्ट फॉलो करते हैं तो वो आपको गलत चीज़ के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। वो शायद सोचे नहीं इतना कि यार मतलब हो सकता है उनके पेरेंट ने उन्हें सिखाया हो, उनके टीचर्स ने, उनके बड़े भाई बहनों ने सिखाया हो दैट टोबैको कंजम्पशन इज़ नॉट गुड, बट स्टिल क्योंकि आपने एक इन्फ्लुएंसर को, एक सेलिब्रिटी को देखा है, आप देख रहे हो कि यार अजय देवगन टोबैको खाता है तो अगर मैं खा लूँगा तो उसमें क्या दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से एक बैड इम्पैक्ट पड़ जाता है कस्टमर्स के ऊपर, जिसमें हमने रिसेंटली आउटरीच ही बहुत ज़्यादा देखा है कस्टमर्स का कि इतने बड़े बड़े बॉलीवुड सेलेब्स टोबैको की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। उनको ये चीज़ नहीं करना चाहिए, उनको अच्छे प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट करना चाहिए। सो एट टाइम्स इट मोस्टली इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द कंपनी, बट एट टाइम्स इट कैन बी वेरी बैड फॉर द कस्टमर्स और फ्रॉम द कंज्यूमर्स और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ योर कंट्री जो आपकी एडवर्टीजमेंट्स देख रहे हैं। सो दीज वर द टू डिफरेंट मॉडल्स और टू डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग एडवर्टीजमेंट। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।